यो हो, तो फाइनली ये है लास्ट गेम प्ले इपिक स्क्रीम्स का। हाँ, पहला मैच हम लोग का ठीक गया, दूसरा मैच कॉस्मियम गया, लेकिन तीसरा चौथा मैच भाई आपने देखा होगा तो हम लोग यार #8 पे 3-4 किल के साथ मर गए थे। तो हमने यहाँ पे अपना लास्ट वाला मैच क्या किया ना, ड्रॉप क्लास लेने का सोचा। वो भी देखो, हम लोग मेरा चौथा प्लेयर गायब है, पीवी भाई गायब है, उनको काम था थोड़ा, तो वो ऑफिशियल स्क्रीम्स लास्ट वाला मैच नहीं खेल पाए। तो सबसे पहले हम लोग के पास एक मैड एडवांटेज कम है, तो तीन प्लेयर के साथ ही हमें खेलना पड़ा। एंड ये वाला मैच वन ऑफ द बेस्ट मैच है अभी तक मैंने जितना भी खेला है, ठीक है। एंड इस वीडियो से आपको बहुत सीख मिलेगी कि कैसे आप लोग कम प्लेयर के साथ हो बचे हुए तब भी कैसे खेल सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे अपना ड्रॉप चेंज किए, लास्ट टाइम हम लोग झरना गए थे जहाँ ड्रॉप क्लैश हो गया था। एंड हम लोग यहाँ पे अब आए ऊर्जा वैली पे, ऊर्जा वैली पे हम लोग यहाँ पे देखो अर्ली रोटेशन स्टार्ट कर दिए, क्योंकि हमें यहाँ पे इस वाले मैच में किल्स करना था, क्योंकि किल्स जब आप ज़्यादा करोगे तभी यहाँ पे आपके जीतने के चांसेस एंड पॉइंट्स लेने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फाइनली यहाँ पे देखो मैं अपने प्लेयर सबको बोलने लगा कि भाई मेरे पास उतना लूट नहीं है परफेक्ट, लेकिन मैं फ़ाइट ले सकता हूँ। तभी यहाँ पे गाइस यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट जोन में बंदे लोग को ढूंढते हैं, लेकिन मेरे को प्लेयर्स दिखता नहीं है। फिर यहाँ पे मैं अपने यहाँ पे लूट करने जाता हूँ कंपाउंड में, तभी मेरे को एक बाइक दिखता है जिसपे एक प्लेयर बचा हुआ है। तो इसका मैं पीछा करने लगता हूँ क्योंकि इसके आसपास कोई बंदा है नहीं, एंड इसका आई थिंक ड्रॉप क्लैश हो गया है, तो इसके तीन प्लेयर मरे हुए होंगे। तो इसको मैं पीछे दौड़ाने लगता हूँ एंड अपने प्लेयर्स को बोलता हूँ कि भाई इसको ठोक ताकि इसका गाड़ी स्लो हो जाए। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग यूज कर सकते हो कि जब मतलब जब सामने वाला एनिमी बाइक पे हो ना, तो अपने दूसरे प्लेयर को बोलो बाइक ठोकने के लिए, इसका ठोकने से क्या होगा, इसका गाड़ी स्लो हो जाएगा एंड आप लोग उतर के इसको ईजी मार सकते हो। एंड अभी भी मेरे पास टेम्पेस्ट है, एंड यहाँ पे देखो इसका बाइक फंस गया था इसमें, ठीक है, किसमें फंस गया था, ट्री में फंस गया था, जिसके कारण इसका बाइक स्लो हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पे बोला मेरा प्लेयर कि इसको गोली पड़ा है, तो मैं इसको देता हूँ 13-13 का 3-4 शॉट एंड वो मर जाता है। एंड जैसा कि मैंने बताया कि वो सिंगल प्लेयर बचा हुआ था अपने स्क्वाड का, तो एक स्क्वाड हमने वाइप आउट कर दी एंड मेरे को शुरू में एक किल मिल गया हुआ है। फिर हम लोग यहाँ पे जोन में बहुत ज़्यादा डैमेज खाने लगते हैं, क्योंकि हमें किल के चक्कर में भाई उसके किल के चक्कर में हमने देखा नहीं कि हमारा यहाँ पे जोन आ चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि किल्स के चक्कर में आप लोग अपना एचपी गवाओ। एंड देखो जब हम लोग यहाँ पे निकल रहे थे ना, तो हम लोग का रोटेशन लेट हो गया। लेट रोटेशन के कारण गाइस यहाँ पे देखो सबसे पहले तो मेरे को पीछे जोन में रुक के ही मेडिकेट वेडिकेट लेना पड़ा, एंड मेरे पास छोटा सा 8 मेडिकेट था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीन हुआ ना, सामने बंदे है, इनेमी है, जो कि हमारा रास्ता रोके हुए है। तो हम लोग का आइजिल का कॉल आता है कि लेफ्ट से निकल जाओ, तो हम लोग क्या सीन होता है ना, हम लोग लेफ्ट से निकलना चालू कर देते हैं, लेकिन गाइस इसी में हम लोग का जो आइजल है ना उसका यहाँ पे हील लगता नहीं है, क्योंकि उसको डैमेज पड़ जाता है एनिमी से और वो हील लगाने का कोशिश करता है तो हील लगता नहीं है, लेट हो जाता है 1-2 सेकेंड हील लगाने में। और हम लोग का कॉल आता है कि भाई हमारे पास मेडिकिट नहीं है, हम लोग नहीं बच पाएंगे, ठीक है। तो उसका कॉल आता है कि ठीक है तुम लोग निकल जाओ, मुझे रिवाइव देने की जरूरत नहीं है। तो देखा देखा आपने कैसा हम लोग का एक प्लेयर यहाँ पे अपना कुछ भी बिना किए मर गया, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ध्यान रखना कि आपको जोन का भी ध्यान रखना है, किल्स के चक्कर में ऐसा नहीं कि आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे भूल जाओगे कि जोन जाना है हमें, तो ये गलती हुई जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो पॉइंट कर लो, ये नोट कर लो। एंड हम लोग यहाँ पे देखो पत्थर के पीछे छुपे हुए हैं, तो आप लोग भी छुप के ही मेडिकेट मारना, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो मेरे पास ज़्यादा मेडिकेट्स भी नहीं है, यहाँ पे देखो एक मेडिकेट ले लिया मैं और मेरा यहाँ पे मेडिकेट 0 हो गया, लेकिन मेरे पास स्मोक है 4। और मेरे को थोड़ा सा लूट में जब उसको मैंने एक प्लेयर को मारा था ना, उसके पास स्टार था, तो स्टार मेरे को मिल गया हुआ है टेम्पेस्ट का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने क्या किए, बैक क्लियर किए, वो जो एनिमी था ना जो कि हम लोग का रास्ता रोका हुआ था वो निकल चुका है ऑलरेडी, तो हम लोग का यहाँ पे रास्ता साफ था। एंड इस वाले मैच में क्या सीन हुआ था ना, मेरी इधर बारिश होने लगी थी जिसके कारण मेरा जो नेट है ना वो बीच बीच में 500, 500, 100, 200 चल रहा था, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे नेट भी इशू हो रहा था और हम लोग सिर्फ 2 ही पेड़ बचे थे और अभी 10 स्क्वाड बाकी है, तभी इधर से फायरिंग आ रही थी। तो यहाँ पे अपने आइजल का कॉल आता है कि किल्स जरूरी है, तो यहाँ पे मेरे को प्लेयर्स दिखते हैं, तो मैं बाइक उठा करके क्या जाता हूँ, रश करने जाता हूँ, मतलब पीछे से सिर्फ किल चुराना है, डायरेक्टली रश नहीं करना है। तो जब भी थर्ड पार्टी हो ना, तो आप भी ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स ले सकते हो कि अंदर पूरा नहीं घुसना है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे बाहर से किल्स चुराना है। तो सामने वाले कंपाउंड में ये फाइट हो रही थी, तो यहाँ पे देखो ये पत्थर का कवर है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखता हूँ कि मेरे को तो कोई बंदा नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोग 2 मैन हैं। तो सबसे पहले देखो सामने वाले में 2 प्लेयर्स आगे से जा रहे थे, ठीक है, तो मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसको 85 का डैमेज पड़ता है और वो अंदर की तरफ भाग जाता है। एंड देखो किल फीड समझ के आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्क्वाड का फाइट हो रहा है, तो एक बंदे हमेशा ध्यान रखे किल फीड पे कि सामने जो स्क्वाड लड़ रही है वो कैसा टाइप का स्क्वाड है, हम लोग उससे बच पाएंगे, मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे, इजी है। तो देखो यहाँ पे मैं आगे थोड़ा सा गया, लेकिन यहाँ पे ग्रेनेड कुक करके मैं फेंकने लगा, लिटरली मेरे पास 2 ग्रेनेड थे एंड दोनों ग्रेनेड यहाँ पे मैंने मारा और मेरे को एक प्लेयर पीछे से कवर दे रहा था तभी मैं आगे गया, ऐसा नहीं है कि मैं अकेले घुस रहा था। तो आपको भी ऐसे ध्यान रखना है कि आप भी जब आगे जाओ ना
तो ट्राई करना कि आपका प्लेयर आपको कवर दे रहा हो। एंड देखो यहाँ पे मैंने अपना एंगल चेंज किया, एंगल चेंज करने के बाद यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आ गया, क्योंकि जो इनका फाइट ख़त्म हो चुका था, हम लोग डायरेक्ट घुसते तो हम लोग मरते, तो इनका हमने वेट किया, ठीक है, वेट किया ताकि ये लोग जब निकले तो हम लोग इनको मार पाए। एक एक किल भी, दो किल भी मिल जाएगा हर मैच में दो दो मिनट पे, तो सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे मेरे पास मेडिकेट वगैरह नहीं था, तो ये एक प्लेयर को जो मारा था अपना प्लेयर, तो मैं इसका जा रहा हूँ लूट करने। एंड यहाँ पे देखो आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब आप लोग मेडिकेट वेडिकेट मांग सकते हो, लेकिन ओपन में मत मांगना, ये मैं हर बार आपको बताता हूँ। तो देखो इसमें से मेरे को एक बड़ा मेडिकेट एक छोटा मेडिकेट मिल चुका है, एंड मेरा यहाँ पे नेट अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ये पूरा मैच में मेरा नेट जो है वो 200-300 पे चल रहा है, एंड इतने यहाँ पे फाइट हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लूटना चालू कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फाइट हो चुका है, लेकिन आगे फाइट अभी भी हो रहा है। एंड मेरे को जो अपना फेवरेट गन है लोकस्ट, वो मैं यहाँ पे यहाँ पे देखो लोकस्ट मेरे पास हो गया हुआ है, टेम्पेस्ट भी हो गया हुआ है, टेम्पेस्ट में स्टार है, एंड मेरे पास यहाँ पे 7 स्मोक है। तो लूट के मामले में भाई मैं बहुत प्रो हूँ, एंड यहाँ पे अभी मेरे पास 2 मेडिकेट हो गया हुआ है। तो हम लोग को जोन में जाना है, एंड यहाँ पे जैसे ही हम लोग जोन में जाते रहते हैं, फिर मेरे को दिखता है कि एक स्क्वाड पैदल आ रही है, पैदल रोटेशन काट रही है, तो मैं एक बंदों को पकड़ लेता हूँ, एंड एक बंदों को पकड़ने के बाद एक बंदा को पूरा मार देता हूँ। फिर उन्होंने हम लोग को देख लिया होता है, एंड वो पत्थर का कवर ले लेते हैं। तो फिर मैं सोचता हूँ कि रश करूँ, तो यहाँ पे देखो मैं रश करने जाता ही हूँ कि भाई वो लोग हम लोग पे फायर करने लगते हैं। फिर हमारे यहाँ पे मेरा जो नेट है वो देखो 300 हो गया था अभी, तो मेरा नेट अच्छा नहीं है। मैं जब रश करने जाऊँगा तो मेरा कभी भी नेट बीच में फंस सकता है, जिसके कारण मैं मर सकता हूँ, तो इसलिए मैं रश करने नहीं जाता हूँ, मैं पीछे वाले पत्थर पर रुक जाता हूँ। एंड हाँ, एक और बात, यहाँ पर फिर से यहाँ पर जोन आने लगता है, तो अब हम लोग को यहाँ पर किल्स पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि अभी भी 8 टीम बची हुई है। तो मैंने स्मोक फेंका, जब भी आपको निकलना है ना, और जब भी सामने प्लेयर हो तो स्मोक फेंक के निकलो, ठीक है, क्योंकि ऐसे आपको गन शॉट नहीं पड़ेंगे, बंदे आपको क्लियर देखेंगे तो वो आप पे गोली चलाएंगे, इसलिए स्मोक फेंक के निकलना हमेशा। एंड देखो अभी भी मेरा 300 पिंग जा रहा है बीच बीच में। एंड लिटरली यहाँ पे सीन क्या होता है, हम लोग जाते हैं सेफ जोन में, एंड यहाँ पे देखो बिहार का छोटा सा हिस्सा सेफ जोन में है, एंड आगे यहाँ पे फायरिंग चल रही है, 2-3 स्क्वाड का यहाँ पे फायरिंग आ रहा है, मतलब वो लोग एकदम मस्त वाला फाइट कर रहे हैं, और यहाँ पे मेरा नेट सही नहीं चल रहा है। देखो आगे पीछे गेम मेरा हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे एक कंपाउंड में आ जाता हूँ, एंड नेक्स्ट सर्कल बन चुका है, जो कि हम लोग से 200 मीटर दूर है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो 200-300 मेरा पिंग चल रहा है, एंड ये लास्ट मोमेंट में भाई मेरा पिंग इतना है, मेरे को साथ ही नहीं दे रहा मेरा पिंग। एंड मेरा एक प्लेयर बोलता है कि सामने वाले जो घर है ना उसमें प्लेयर है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर से फायरिंग आते रहता है, तो हम लोग यहाँ पे होल्ड करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जगह होल्ड करना है एंड कौन सा जगह फायरिंग करना है, तो आप लोग इस गेम प्ले से सीख सकते हो कि कब आपको फाइट लेना है। हाँ देखो, प्रैक्टिस में का मैन परफेक्ट, जब भी आप जितना ज़्यादा मैच करोगे उतना तो आपको सीखने को मिलेगा ही, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ना वो थोड़ा सा पॉइंट नोट कर लोगे तो वो बात सुन करके आप लोग उस मैच में अप्लाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जोन बन जाता है तो अपना एजेंट का कॉल आता है कि यहाँ जाओ, ठीक है, तो हम लोग पत्थर पर जाते रहते हैं, लेकिन सामने बहुत सारे प्लेयर होते हैं, तो मैं बोल देता हूँ कि भाई अभी मैं जाऊँगा तो मैं मरूँगा, क्योंकि भाई अभी भी 17 प्लेयर बाकी है और 7 टीम बाकी है, तभी हम लोग का पीछे भी क्लियर नहीं था, पीछे भी एक नेमी था जो कि मेरा प्लेयर यहाँ पे ध्यान दे रहा था। एंड देखो मैं पीछे क्लियर करने जाता हूँ, लेकिन तभी क्या होता है ना कि मेरा नेट फंस जाता है। नेट फंसने का मतलब है भाई यहाँ पे मैं अपना बाइक को घुमा रहा हूँ, लेकिन मेरा भाई नेट चल ही नहीं रहा है, जिसके कारण यहाँ पे मैं 1 मिनट जोन में ही रहता हूँ, लेकिन मेरे पास मेडिकेट रहता है, तो इसलिए भाई मेरा नेट सही हो जाता है, मतलब सही नहीं होता है, 150-200 चलने लगता है, लेकिन यहाँ पे मैं अपना गेम को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो मेरा जो प्लेयर है वो आगे जोन में चला जाता है, सेफ जोन में, एंड यहाँ पे मैं पीछे से रोटेशन करने लगता हूँ। एंड देखो भाई कॉस्मियम भी आ चुका है, कॉस्मियम भी आ चुका है, और 5 टीम अभी भी बाकी है, और 12 प्लेयर अभी भी है, 2 हम लोग को छोड़ोगे तो 4 टीम में अभी भी 10 प्लेयर बचे हुए हैं। तो सीन क्या होता है ना, यहाँ पे देखो कॉस्मियम आ चुका है, एंड सामने वाले जो हवेली में है ना इसमें प्लेयर है, यहाँ पे देखो उड़ के मैंने देख लिया, और उनका फुट भी आ रहा है, एंड मेरा भी फुट आ रहा होगा, तो उनको पता चल गया होगा, लेकिन इधर 2 स्क्वाड का फाइट हो रहा था, ठीक है। एंड इसको मैंने डैमेज देने की कोशिश की, देखो 100 HP मैं उसका ले गया, तो मेरे प्लेयर का कॉल आता है कि मैं जा रहा हूँ कॉस्मियम लेने। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरा प्लेयर कॉस्मियम ले रहा है, एंड सामने जो प्लेयर कॉस्मियम लेने से रोकेगा, तो मैं क्या करता हूँ ना उनका ध्यान भटा देता हूँ। एंड देखो 2 प्लेयर जो होते हैं ना, जो हवेली से उधर आने वाले होते हैं कॉस्मियम रोकने के लिए, उनका ध्यान मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, एंड मैं तो मर जाता हूँ, लेकिन मेरे प्लेयर को कॉस्मियम मिल जाता है, मतलब मैं डाउन हो जाता हूँ और मेरे प्लेयर को कॉस्मियम मिल जाता है। कॉस्मियम का 18 पॉइंट और मेरा 3 किल है, एंड मेरे प्लेयर का 3 किल है, 6 पॉइंट किल के हो गए, मतलब इस मैच में हम लोग का 24 मिला। एंड गाइज आप लोग यहाँ पे देखो, मैं आपको अभी क्या करता हूँ कि पॉइंट टेबल लगा देता हूँ। तो देखो गाइज यहाँ पे पॉइंट टेबल, आप लोग पहला मैच हम लोग #2 आए थे 3 किल के साथ, तो पहला मैच 13 पॉइंट, दूसरा मैच कॉस्मियम गया था 28 पॉइंट, 10 किल एंड 18 कॉस्मियम का, तीसरा चौथा मैच हम लोग का उतना पॉइंट्स नहीं रहा, एंड ये लास्ट का मैच जिसमें हम लोग को 24 पॉइंट मिला है। तो हम लोग इस मैच में, मतलब इस स्क्रीम्स में #1 है, आप लोग देखो।